हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 एक क्लास 12th एनसीईआरटी सिलेबस है अपना। तो 15 क्वेश्चन हम कर रहे थे, 14 इसके पहले हो चुके। तो इसमें यह दिया है, क्वेश्चन यहाँ आपको मिल जाएंगे। एक कोई पॉइंट 0 0 से कोई कर्व, कोई वक्र निकल रहा है। इस वक्र का हमें समीकरण, इस इक्वेशन निकालनी है। इसकी इक्वेशन क्या होगी जिसका अवकल समीकरण ये है। अवकल समीकरण यह सॉल्यूशन क्या करें, सबसे पहले तो यही का ये लिखो, e की पावर x साइन x, इसको हम क्या बदल दें, ये मतलब एक बार इसका अवकलन हुआ होगा। बहुत साइड इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा उसे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या हम इस पूरे को हम मान लेते हैं एक आई है। ये क्या है, आई है। आई बराबर इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। और एक आईलेट फॉर्म आपने सुना होगा, आईलेट, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन, टिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंट्स फंक्शन। तो टिग्नोमेट्री ये है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीछे रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री आगे, क्योंकि टी आगे है और ई पीछे है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है और सेकंड फंक्शन ये है। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन इसका होगा डिफरेंशिएशन, एक्स की रिस्पेक्ट में चल रहा है सब, इनटू समाकलन होगा सेकंड वाले का और इस पूरे का, ये हटा देते हैं, इस पूरे का समाकलन प्लस सी। कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, कोई भी है। इसको छोड़ दिया था साइन एक्स, ई एक्स का समाकलन ई एक्स ही होगा, तो इसे हम आगे लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा। ठीक है, ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा और इस पूरे का फिर से डिफरेंशिएशन। तो सी वन हम लेके चलेंगे, यहाँ पे सी वन हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर से वही डबल फंक्शन बन गया, फिर से ये सोल्व होगा। ठीक है, ये फिर से डबल फंक्शन बन गया है। तो आई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस, ये पूरा का पूरा फिर से डबल फंक्शन से सोल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, ई एक्स का समाकलन होगा सेकंड वाले का, तो वही ई एक्स का ई एक्स ही रहता है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन एक्स हो जाएगा और ई एक्स का फिर से ई एक्स ही रहेगा और डी एक्स प्लस सी वन और सी टू, क्योंकि डबल फंक्शन हमें सोल्व कर चुके हैं यहाँ पे। तो इसका फिर से एक कांस्टेंट फिर मिल जाएगा, साइन एक्स सेम टू सेम रहेगा, माइनस अंदर जाएगा ई एक्स कॉस एक्स और ये पूरा इस आई के बराबर है। तो ये माइनस माइनस प्लस, और कांस्टेंट तो सी वन सी टू सी ही लिख दो, कोई वही नहीं है उसका, तो कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ेगा, कांस्टेंट ही आएगा। अब यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, और माइनस साइन एक्स आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का होगा। ठीक है, अब ये वाला आई इस तरफ आएगा, ये वाला आई यहाँ पे है और ये आई यहाँ आएगी, तो आई प्लस आई बराबर ई एक्स साइन एक्स माइनस ई कॉस एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा 2i, ई एक्स कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में सी चलता रहेगा, और अपॉन पूरे अपॉन में हम इसके अपॉन में 2 लिख देंगे, सी के अपॉन में 2 लिखोगे कोई मतलब नहीं है, आई की वैल्यू ये मिल गई और ये पूरा आई था, तो इसकी जगह पे हम अब ये लिखेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, वाई, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन ई एक्स
साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में टू प्लस में सी। अब इस टू को क्या करते हैं, यहाँ ले आओ, यहाँ से टू कम करेंगे, डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। इस टू को यहाँ ले आओ, टू वाई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब जो कर्व है हमारा, जो वो किस पॉइंट से होके निकल रहा है, जीरो जीरो से। जीरो जीरो से निकलने का मतलब एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, इन दोनों वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। तो ये तो जीरो, जीरो यहाँ रखोगे, किसी की पावर जीरो हो तो वन, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, और प्लस में सी, इससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, ये वन हो गया माइनस का वन, वो इस तरफ आएगा तो प्लस का वन, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, वन। अब सी की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो टू वाई बराबर ई एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में वन। इस समीकरण, ये जो समीकरण है, यही समीकरण है उस वक्र का जो बिंदु जीरो जीरो से होके निकल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिर से वही क्वेश्चन जो 15 में किया था, कोई कर्व था जो जीरो जीरो से होके निकल रहा था, यहाँ पे वन माइनस वन से होके निकल रहा है, और इसी कर्व का समीकरण हमें निकालना है, इक्वेशन निकालनी है, जिसका अवकल समीकरण ये दिया है। उस समीकरण का अवकलन हो चुका होगा तब ये आया है, मतलब अब इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या, एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ। अब क्या वाई इधर है, तो वाई इधर ले आओ, वाई है ना, तो एक काम करो, वाई अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स और डी एक्स, डी एक्स चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे, और इसका हमें करना है समाकलन दोनों तरफ। ठीक है, और बिंदु हमारा ये रहेगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन को थोड़ा हम सिंपल बनाएंगे, इसको हम मान लेते हैं आई वन, और इसको मान लेते हैं हम आई टू। ठीक है, तो पहले आई वन को सॉल्व करते हैं, आई वन कितना है, वाई वाई प्लस टू डी वाई, तो इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे, टी मानोगे, लेट टी इक्वल टू वाई प्लस टू, और वाई है तो वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी टी अपॉन डी वाई इक्वल टू वन वन, सिर्फ वन, तो डी टी इक्वल टू डी वाई, रखो वैल्यू, आई वन इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के इक्वल में क्या आएगा, यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाले हैं तो t माइनस टू आएगा, इस टू को इधर लेके जाएंगे तो ये हमें यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे रखेंगे t माइनस टू, और इसकी भी इक्वल टू हमने t माना ही था, और dy dt डी के इक्वल में है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, t अपॉन t dy वाई माइनस टू वन अपॉन टी डी वाई, अलग अलग कर लिया, t के नीचे t और टू के नीचे t। ठीक है, और टी के टी से टी कैंसिल, मतलब वन बचा, वाई का समाकलन, मतलब वन का समाकलन क्या होगा, और अब तो टी की रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, टी की रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, टी की रिस्पेक्ट में हो रहा है, वन का समाकलन एक, जो वन का समाकलन वह टी ही रहेगा, माइनस टू वन अपॉन टी का समाकलन लॉग टी रहेगा, तो टी की वैल्यू जो थी वाई प्लस टू, वो रखेंगे वाई प्लस टू, और प्लस में कांस्टेंट सी वन चलता रहेगा। ठीक है, अब आई टू को सॉल्व करेंगे, आई टू क्या दिया है, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स, वही चीज अलग अलग कर लो कि एक्स के अपॉन में एक्स डी एक्स प्लस टू बाहर वन अपॉन एक्स डी एक्स
इसका समाकलन करेंगे, खत्म हो जाएगा। वन का समाकलन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स ही रहेगा, प्लस टू लॉग एक्स प्लस सी टू। इन दोनों को उठा के यहाँ रखो, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वाई प्लस टू माइनस टू लॉग वाई प्लस टू सी वन बराबर ये वाली यहाँ पे एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस सी टू। ठीक है, इसको मिला मत देना। वाई प्लस टू माइनस टू लॉग वाई प्लस टू ये वाला कांस्टेंट उधर पहुंचा दो, एक्स प्लस टू लॉग एक्स सी टू माइनस सी वन माइनस होंगे, कोई ना कोई दूसरा कांस्टेंट आ ही जाएगा, उसे सी बना लो। एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू माइनस वन प्लस टू माइनस टू लॉग माइनस वन प्लस टू, एक्स की वैल्यू वन प्लस टू लॉग वन प्लस सी। लॉग वन की वैल्यू जीरो, ये भी जीरो, प्लस का वन बचा। यहाँ पे ये घट जाएंगे, वन बचेगा और ये टू लॉग ये भी वन बचेगा बराबर यही। और लॉग वन की वैल्यू कितनी, जीरो, टू इंटू जीरो जीरो वन, ये अंदर आ गया माइनस वन सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो गई जीरो। तो सी की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर इसमें, ये कौन सी इक्वेशन बनाना चाहते हो, फर्स्ट ही बनेगी अभी, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सी की वैल्यू रख दो, तो वाई प्लस टू माइनस टू लॉग वाई प्लस टू एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस जीरो, कोई मतलब का नहीं, छोड़ दो, ये आंसर है। एनसीईआरटी के हिसाब से मिलाया जाए तो उन्होंने लॉग लॉग एक तरफ और बाकी एक्स वाई जेड एक तरफ कर दिए, तो वाई माइनस का एक्स यहाँ आ गया, प्लस का टू ये रखा ही है, और टू एक काम करो, टू को ऊपर चढ़ा दो, लॉग एक्स स्क्वायर किया जा सकता है, माइनस का यहाँ पे है तो ये उधर पहुँच जाएगा प्लस में, तो ये लॉग वाई प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में जब लॉग होते हैं तो इनटू में आ जाते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, प्लस में जब लॉग होता है तो इनटू में आ जाता है, बाकी सब पैसा का पैसा रहेगा। लॉग लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, कोई बिंदु है 0-2, ठीक है, इस 0-2 से अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, कोई पॉइंट है, ये हमारा 0-2 एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई कर्व कोई वक्र निकल रहा है, ठीक है, इस वक्र का हमें समीकरण ज्ञात करना है, और इस वक्र का समीकरण का अवकल समीकरण, मतलब इसकी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से दी है कि इस पर कोई अदर पॉइंट है, कोई दूसरा पॉइंट एक्स और वाई, इस वाई से कोई टेंजेंट कोई स्पर्श रेखा निकल रही है, स्पर्श रेखा गई, ये कर्व गया ऐसा, ठीक है, कोई टेंजेंट ये है, इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट की प्रवणता, इसका स्लोप प्रवणता क्या, ये स्लोप और प्रवणता एक ही चीज होती है, ठीक है, इस टेंजेंट की प्रवणता और इस बिंदु का वाई निर्देशांक इस बिंदु के एक्स निर्देशांक के बराबर है, इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है, ठीक है,
ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस कर्व की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये समझ में आ सकता है, आएगा। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे अगर, तो y वाले इधर हैं, x वाले उधर पहुंचा दो, तो y dy बराबर x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, और कांस्टेंट तो कुछ होगा ही, हम बनाएंगे लेंगे इंटीग्रेशन के बाद मिलेगा। y का इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट मिलेगा सी वन, और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट मिलेगा सी टू, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन टू बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन टू और कांस्टेंट सी बना लो। अब पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ये इस पॉइंट से होकर वो कर्व निकल रहा है, यहाँ से हमें y की वैल्यू माइनस टू और x की वैल्यू हमें जीरो मिल रही है, वैल्यू हम रखेंगे माइनस टू को, माइनस टू का स्क्वायर अपॉन टू बराबर जीरो अपॉन टू प्लस सी, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा c अकेला, और यहाँ पे हो जाएगा चार बटे दो। ठीक है, वो काट देंगे तो दो ही बचेगा, सिर्फ दो बचेगा, तो c की वैल्यू हमें मिल गई दो, और इस सी को उठा के रखेंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन नंबर वन में। अब पुटिंग द वैल्यू सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सी में सी का मान समीकरण एक में हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू, दो से गुणा को और कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस चार, तो वाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये हमारा समीकरण बन गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन आंसर छोटा है, आंसर ये भी ठीक है, लेकिन अब अगर एनसीईआरटी के हिसाब से मिलाना पड़े तो कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने ऐसा जमा दिया क्योंकि हमें इक्वेशन हमेशा वाई की इक्वल में मिलती है, और एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, सिर्फ इसको इस तरफ ले आके आए हैं, और प्लस का फोर वहाँ पे है ही, तो ये एनसीईआरटी का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना करना था कि इस पॉइंट से कोई कर्व निकलता है, उसके किसी बिंदु एक्स वाई से कोई टेंजेंट कोई स्पर्श रेखा गई, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब स्लोप, और उस बिंदु का वाई निर्देशांक मतलब उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट उसी बिंदु के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वक्र किसी बिंदु एक्स वाई को स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श बिंदु को बिंदु माइनस चार माइनस तीन से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है, यदि वक्र बिंदु माइनस दो एक से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। देखो, इन्होंने जो कहा है उसे समझो, एक वक्र है, कोई भी एक कर्व है, ये एक कर्व हो गया। ठीक है, इसके किसी बिंदु एक्स वाई, कोई बिंदु है यहाँ पे जो एक्स वाई एक पॉइंट है, इस एक्स वाई पॉइंट से इसका स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक स्पर्श रेखा यहाँ से निकल रही होगी, इसको छूती हुई एक स्पर्श रेखा यहाँ से बनाते हैं ऐसी। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा हो गई, मतलब इसकी टेंजेंट हो गई, ये इसकी टेंजेंट है, इस टेंजेंट का जो भी स्लोप हो रहा होगा, इस टेंजेंट का कोई स्लोप है, ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, ये है, और इस बिंदु से होके जाने वाली कोई रेखा, और इस जो कि माइनस फोर और माइनस वन से माइनस थ्री से माइनस फोर और माइनस थ्री से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता के दोगुने के बराबर है, मतलब इस लाइन सेगमेंट का जो भी स्लोप होगा, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या होगा, वाई वन माइनस वाई टू, ऐसा कर लेते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू, इस स्लोप के दोगुने के बराबर है। ठीक है, अब यदि जो ये जो कर्व है, अगर ये कर्व
-2 और 1 से होके निकल रहा हो तो इस कर्व का इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझेंगे एक बार। कोई कर्व है जो कि एक्स वाई पॉइंट से होकर निकल रहा है, एक्स वाई पॉइंट पर कोई एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट का स्लोप ये रहा, इस टेंजेंट के एक्स वाई पॉइंट से और -4 और -3 को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसका स्लोप, दो बिंदुओं से दो पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट होता है उसका स्लोप कैसे निकलता है, y2 - y1 / x2 - x1 से। तो वही किया है, तो इसका स्लोप का डबल इसके स्लोप के बराबर था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर ये कर्व -2 और 1 से होकर निकल रहा हो तो हमें उसका इक्वेशन निकालना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इंटू कर दें इंटू कर देते हैं 2y + 6 / x + 4, ये सब को इस तरफ ले आओ, 2y + 6 dy = 1y x + 4 dx, इस सब का हम करेंगे इंटीग्रेशन, और शायद इंटू ना भी करें तो भी चलेगा, इंटू ना भी करें तो भी चल सकता है क्योंकि इंटीग्रेशन हम लगाएंगे तो 1/2 बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 हम बाहर लिखेंगे, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसे t मान के सोल्व करोगे 1/t dt, ये log t बन जाएगा, log t और t की वैल्यू y + 3, और अगर चलो 1/2 इसको रहने दो अभी सेम टू सेम, ठीक है, और इसको log x + 4 आ जाएगा, प्लस में सी कांस्टेंट चलता रहेगा। अब अगर हम y और x की वैल्यू हम रखें, क्योंकि ये जो कर्व है -2 और 1 से होके निकल रहा है, मतलब x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 1 है, तो रख के देखते हैं 1/2 log y1, तो ये log 4 हो जाएगा, और ये अगर यहाँ पे -2 रखा जाता है तो प्लस का 2 बचेगा तो log 2 हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, ये हाफ जो है यहाँ पे है इसको हटा ही दो यहाँ से, इसको वहीं रहने दो, यहीं पर रहने दो 2 पे, ये जो 2 ऊपर है ना इसको 2 यहीं रहने दो, ठीक है, और ये 2 आगे रहेगा तो पावर चढ़ जाएगा, तो ये पावर चढ़ जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस में सी चल रहा है, log 4 बराबर log 4 प्लस में सी, log 4 इधर आ जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, कांस्टेंट हमारा 0 है। इस सी की वैल्यू को कहाँ रखेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखेंगे तो log y + 3 = log 2 log, बल्कि log स्क्वायर कर लो, log x + 4 होल स्क्वायर, और log से log आपस में कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो x + 4 होल स्क्वायर ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बलून एक गुब्बारा है, इसका वॉल्यूम जिसे फुलाया जा रहा है हवा भर के स्थिर गति से बदल रहा है, मतलब स्पीड ऐसा बढ़ता जा रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, सबसे स्टार्टिंग में जब उसमें हवा नहीं भरी जा रही थी उस तब उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर या 3 इकाई यूनिट जो भी है, और 3 सेकंड बाद 6 यूनिट हो जाती है, तो 30 सेकंड बाद उसकी रेडियस कितनी होगी हमें ये बतानी है, ठीक है। तो जो रेट चेंज हो रहा है वो एक तरह से स्थिर है, स्थिर गति से नियतांक है, कांस्टेंट है, तो जो हम लिखेंगे अब सॉल्यूशन में क्या लिखोगे,
rate of change of volume of balloon. ठीक है, गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर जो आ रही है, परिवर्तन की दर हमने क्या मान ली, वॉल्यूम जो है, जो वॉल्यूम आयतन V, वो समय के सापेक्ष बदल रहा है, ठीक है, तो dt रहेगा, और वो किसके बराबर है, k, नियतांक जो हमने मान रखा t जीरो, मतलब समय जब जीरो था स्टार्टिंग में, उसकी रेडियस कितनी थी, 3 थी, और जब 3 सेकंड बाद उसकी रेडियस कितनी हो गई, 6, तो इस तरह से हर सेकंड में उसकी रेडियस जो है, त्रिज्या कितनी बढ़ती जा रही है हमें ये बताना है। डीबी को यहीं रहने दो, ओके, डीटी यहाँ पहुँचा दो, कांस्टेंट और टी उस तरफ, वॉल्यूम इस तरफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी का 1 dv, वी का वी के सापेक्ष समाकलन कर दिया तो वी हो गया, और इसका समाकलन करेंगे तो KT+C आ जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। एक हमारी इक्वेशन बना लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जो वॉल्यूम होता है, (4/3π)R³ = ये सेम टू सेम वैसा का वैसा, ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम रख दिया हमने। जो जो इक्वेशन नंबर 1, इसको एक काम करो, इसको मत बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, इन्हें उठा के एक एक करके इसमें रखते जाओ। टी जीरो है, (t=0) एंड और (r=3), पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में इन दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 4/3π r की जगह पे 3³ = k(0+c), तो ये हो जाएगा 4/3, 1 3 से 3 कट जाएगा, तो चलो पहले पूरा लिख ही देते हैं, 9 9 3 27, इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, 9 बार, तो 9 चौको 36, इक्वल टू में c, 36π c की वैल्यू हो गई, 36π जो है वो c का मान आ गया। इसी के मान को पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, ठीक है, इसमें रख देंगे, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, (r³) = kT+36π। अब (t=3) और (r=6), ये दो वैल्यू हम रखेंगे इसी में, ठीक है, इसमें रखेंगे तो 4/3π r अपना 6 है, r की जगह पे 6³ = k, तो 3k हो गया, और 36π ये चल ही रहा है, इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3π और 6³ क्या होता है, 216, 36π, इसे सॉल्व करेंगे, 216 को काटेंगे तो ये 7 और 2 72 बार ये कट जाएगा, और 72 से इसमें इंटू करेंगे तो 8 और 7 चौको 28 पाई ये हो गया, 28π, 288π आ गया, और माइनस के 36π इस तरफ आ जाएंगे, इक्वल टू में 3k बचेगा। अब हमें k की वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि हमें इसी वे इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 इसे नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे, इसको अलग से पैक कर दो इस इक्वेशन, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, तो इसको वैल्यू को रखेंगे, इसे माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6 2 3 5 और 2 अपॉन में कितना 3 है, (=k) आ गया, k से इसको कैंसिल करेंगे और ये पाई चल रहा है, 8 24
और एक और तिचौको 12, 84 पाई के की वैल्यू आ गई, 84 पाई के की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में, बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण दो में के का मान रखेंगे। तो के का मान 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के का मान 84 पाई टी के साथ प्लस 36 पाई। 3 नीचे है, 3 को हटाओ या इसमें से कॉमन ले लो, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू क्या कॉमन ले लें, 12 कॉमन ले लो, तो 12 × 7 = 84 पाई टी, और 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 3 पाई यहाँ से बचेगा। ठीक है, वो 4 से 3 बार में ये कट जाएगा और पाई आर क्यूब इक्वल टू 3 7 पाई टी और 3 पाई। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं, पाई भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से आर क्यूब, और नीचे का ये 3 वहाँ जाके 3 में इंटू कर देगा तो 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो गया 9π 7t + 3 और पाई से पाई भी खत्म, तो आर क्यूब इक्वल टू 963t × 27। ये आर की वैल्यू आ गई, इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो 63t + 27³³, ये भी लिख सकते हो। हमें निकालना क्या था कि t समय बाद r का मान कितना होगा। तो देखो अगर t की जगह पे 0 रखोगे, रख के देखो 0, तो ये 63 0 हो जाएगा प्लस में 27³³, 27 की पावर कितना होता है, 3 ही होता है। ऐसे अगर t की जगह पे 3 रखेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद, प्लस करने के बाद जो होल क्यूब निकलेगा वो 6 निकलेगा, 216। ऐसे टी की वैल्यू रखते जाओ हमें आंसर मिलता जाएगा। उन्होंने यही पूछा था टी समय बाद आर का मान कितना होगा, तो वो टी पर डिपेंड करता है कि आप समय कितना ले रहे हो, तो समय आप रखते जाओगे आर का मान निकलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है, मतलब जो कोई बैंक है उसमें जो प्रिंसिपल है वो 8% बढ़ता जाता है, 8% के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, और क्या बढ़ रहा है, उसका प्रिंसिपल का रेट बढ़ रहा है। प्रिंसिपल किसके सापेक्ष, किसकी रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, समय की रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, कोई बैंक है उसका जो मूलधन है, उसका जो प्रिंसिपल है वो 8% ईयरली रेट जो है उसका बढ़ने का रेट है, 8% बढ़ता जा रहा है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दोगुने हो रहे हैं, यदि 100 रुपये टाइम 10 वर्ष दो डबल हो रहा है, ठीक है, अगर डबल हो रहा है तो आर का मान बताना है, और उन्होंने एक क्लू भी दे रखा है लॉग ई, बेस में ई होता है हमेशा, 2063 91। ये एक वैल्यू उन्होंने दे रखी है लॉग टू की वैल्यू, आपको क्वेश्चन में हमेशा मिलेगी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अच्छा ये देखो 100 रुपये 0 साल, अभी 100 रुपये हैं, अभी टाइम नहीं बढ़ा, लेकिन 10 साल बाद जो टाइम है, अगर इसको बढ़ाया जाए, टाइम 10 साल का हो जाए, तो जो प्रिंसिपल था वो डबल हो जाता है। इसको ऐसा एक रफली आप लिख लेना, ये क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, उससे पहले पी वाले एक तरफ, कांस्टेंट जो वेरिएबल्स हैं वो सब एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो पी अपॉन पी आर अपॉन 100 और डी टी।
ठीक है, और इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो ये हो गया 1/p मतलब log p, और इसको करेंगे तो r/100 इंटू टी प्लस में सी। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसी इक्वेशन में वो वैल्यू हम रखते जाएंगे, p की वैल्यू पहले log, पहले वैल्यू कौन सी रखोगे, ऐसा लिखेंगे p इक्वल टू 100 मतलब मूलधन जो है हमारा 100 रुपये, और समय जो t है वो 0 है, रखने पर पुट द वैल्यू ऐसे, ठीक है, रखने पर या पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ये है समीकरण एक में वैल्यू मान रखने पर, तो कितना हो गया log 100 r/100 इंटू 0 सी, ये तो खत्म सब 0, और log c की वैल्यू आ गई log 100, log 100 क्या आ गया c की वैल्यू। y इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो log p इक्वल टू rt/100 प्लस log 100, ये इक्वेशन बन गई सेकंड वाली, ये इक्वेशन है सेकंड। अब p इक्वल टू 200 p इक्वल टू 200 और t इक्वल टू 10, 10 वर्षों में डबल हो रहा है, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन log p है, log p मतलब log 200 इक्वल टू आर टी है मतलब tan r/100 प्लस log 100, तो ये 1 से 1 आर 0 से 0 कैंसिल, ये log 100 इस तरफ हो जाएंगे, log 200 माइनस log 100 इक्वल टू 1/tan r, माइनस में है तो माइनस में क्या होता है log 200 अपॉन डिवाइड में आ जाते हैं 1/10 यहाँ पे r, 0 से 0 काट देंगे 2/1 बचेगा मतलब log 2 बचेगा, और 1/100 रहेगा तो आप नीचे का 100 यहाँ इंटू करने आ जाएगा, और अगर यहाँ इंटू करने आएगा तो log 2 की वैल्यू जो हमें दी थी हम वो रखेंगे 10 × 0.6931 इक्वल टू r, r हमें निकालना था निकलेगा, अब इसका इंटू करेंगे तो 6.931 इक्वल टू r, ये r निकले, r इक्वल टू 6.93% आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है, लगभग पहले वाले क्वेश्चन में r प्रतिशत हो रही थी मतलब r परसेंट की दर से बढ़ रहा था, r परसेंट की रेट से बढ़ रहा था, अब यहाँ पे 5% की रेट से अपना जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता जा रहा है। इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए गए, 1000 रुपये जमा कर दिए, ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, उसका अमाउंट कितना निकलेगा, और कुछ e की पावर 0.5 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, e की पावर 0.5 इक्वल टू 1648, ये कुछ वैल्यू का यूज़ हमारे क्वेश्चन में अंदर में होगा, तो क्वेश्चन बनेगी जो हमारा प्रिंसिपल है वो बदल रहा है, कैसा बदल रहा है, टी की रिस्पेक्ट में बदल रहा है, और 5% की रेट से बदल रहा है प्रिंसिपल, 5% की रेट से प्रिंसिपल बदल रहा है, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 अगर है तो प्रिंसिपल 1000 रुपये है, ठीक है, किए हैं, और ये पूछा गया है कि 10 साल बाद प्रिंसिपल कितना होगा, ये हमसे पूछा है, इसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन ये है, तो टी इधर पी इधर, तो ठीक है करते हैं, तो पी को इधर ले आओ dp/p, और इसको सॉल्व करें अगर तो सॉल्व कर लेते हैं 0.05 हो जाएगा, ये 0.05 कांस्टेंट बन जाएगा और dt बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो log p बनेगी, और ये तो 0.05 t
प्लस सी कांस्टेंट में ये इक्वेशन बनेगी इफ टी इक्वल टू जीरो और पी इक्वल टू 1000 पुटिंग द वैल्यू इसी में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो लॉग 1000 इक्वल टू टी की वैल्यू जीरो रखो तो ये जीरो हो जाएगा और बचेगा केवल सी तो ये हमारा सी का मान आ गया इस सी को वापस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे वाई इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक द्वारा तो लॉग पी इक्वल टू 0.05 इस 0.05 को 1/20 भी लिख सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप लिख सकते हो टी प्लस लॉग 1000 ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है अब सेकंड इक्वेशन में टी इक्वल टू 10 रखेंगे तो हमें पी की वैल्यू मिलेगी लॉग पी इक्वल टू 0.05 टी हो गया 10 प्लस में लॉग 1000 ठीक है तो लॉग पी अप माइनस लॉग 1000 बराबर इसको इंटू करेंगे तो 0.5 बचेगा ठीक है 0.5 बच गया इसको लॉग अगर माइनस में होता है तो अपॉन में आ जाता है इक्वल टू 0.05 अब लॉग हटाएंगे तो ई लग जाता है ये एक रूल है लॉग हटाने से एक्सपोनेंशियल पावर बढ़ जाती है तो पी अपॉन 1000 ई की पावर 0.5 ई की पावर 0.5 तो पी इक्वल टू ई की वैल्यू जो थी वो लिखेंगे 1.048 और ये चला गया इंटू में इसका इंटू कर देंगे 1648 रुपए अमाउंट जो प्रिंसिपल है रुपए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कि जो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है उसे हम पी मानेंगे जो जीवाणुओं की जनसंख्या है वो 10 लाख 1 लाख है कितनी है 1 लाख है और बदलने की जो परिवर्तन है परिवर्तन की जो दर है बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की रेट जो है वो अपन डी पी अपन डी टी जो इसका परिवर्तन मतलब डी पी और किसके सापेक्ष टी के समय के सापेक्ष टी के सापेक्ष टी की रिस्पेक्ट में ये बदल रहा है कितना बदल रहा है कितना बदल रहा है और उन्होंने क्या लिखा है कि जो परिवर्तन की दर है वो प्रेजेंट रेट प्रेजेंट पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में है कैसा है प्रोपोर्शन में और जब प्रोपोर्शन हटता है प्रोपोर्शन को जब हटाया जाता है मैथमेटिकली इक्वल लगाया जाता है तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट बनाया जाता है उस कॉन्स्टेंट को हम के मानेंगे सीधी सी बात हमें के की वैल्यू निकालनी है अब ठीक है इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले कौन सा एक तरफ कर लो जो डी पी अपॉन पी इक्वल टू के और डी टी इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन के टी प्लस में सी ये हमारी इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट उन्होंने ये भी कहा है क्या कहा है स्टार्टिंग में जब टी जीरो था समय जब जीरो था तो पॉपुलेशन कितनी थी 1 लाख रख दो वैल्यू पुटिंग द वैल्यू वैल्यू रखने पर मान रखने पर ये हो गया 1 लाख इक्वल टू जीरो प्लस सी मतलब सी की वैल्यू हो गई सीधी सीधी है ये क्या हो गया सी का मान हो गया ये इसको कहाँ रखोगे इसमें y इक्वेशन फर्स्ट रख दो भैया इसमें वैल्यू रखते हैं log p इक्वल टू k t प्लस log 1 लाख ठीक है अब उन्होंने ये भी कहा था कि जब t 2 घंटे होता है 2 घंटे में 10% बढ़ जाता है किसका 10% 1 लाख का जो पॉपुलेशन होगी 1 लाख का प्लस होगा उसके 10% के बराबर तो 10% कितना होगा इतना होगा निकाल लो भैया ये 4 जीरो बची ये 5 जीरो तो ये 11 के बाद 4 जीरो
इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को रखेंगे इसमें, इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के का मान मिलेगा। रखो के का मान, पी की वैल्यू कितनी, 110,000। के 2K हो गया और इक्वल टू में लॉग 100,000 ये चल ही रहा है। इसको इतना लेकेंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस में अपॉन में हो जाते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 11 और 40 जी नीचे 100,000, 40 से 40 कैंसिल, इक्वल टू 2K लॉग 11/10 2K। इस 2 को भी हम नीचे लेके आते हैं, 1/2 लॉग 11/10 इक्वल टू के, ये हो गई के की वैल्यू। ये एक हमारा कांस्टेंट निकल आया, इसको वापस हम इसी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दिया जाएगा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पॉपुलेशन 200,000 करनी है, वो कितने घंटों में होगी ये बताना। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू को हम कहाँ रखें, इन दोनों की वैल्यू को के की वैल्यू को इसमें रखने के बाद रखते हैं। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन के की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, पुटिंग के इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन सेकंड, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग देख लेना, जगह बना लेना। लॉग पी यहाँ लिख देता हूँ, लॉग पी इक्वल टू के की वैल्यू 1/2 लॉग 11/10 ये कांस्टेंट हो गया, और प्लस में लॉग 100,000 है और यहाँ पे टी चल रहा है। ठीक है, अब 200,000 की पॉपुलेशन करनी है, ये वाली वैल्यू, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग 200,000 माइनस के इधर ही ले आओ, 100,000 इक्वल टू में क्या है, 1/2 लॉग 11/10 और इनटू में टी है, इनटू में टी है। ठीक है, माइनस में होंगे डिवाइड में आ जाते हैं, बचेगा कितना, लॉग 2, लॉग 2 अकेला बचेगा यहाँ पे, लॉग 2 1/2 लॉग 11/10 इनटू में टी चल ही रहा है, ये सब इनटू में है टी, ऊपर पावर मत लगा देना, इनटू में है ये, और 1/2 यहाँ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 log 2/log 11/10 इक्वल टू टी, ये टाइम हो गया, लॉग की वैल्यू रख दो और यही आंसर हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका व्यापक सॉल्यूशन निकालना है, व्यापक हल निकालना है। तो देखो इसको क्या कर सकते हो, प्लस पावर कब होती है, जब बेस आपका, आधार आपका इनटू में हो। ठीक है, आधार समान घाते जोड़ जाती हैं, तो हम उल्टा लेके आ सकते हैं, एक्स वाले उधर वाई वाले इधर ले आओ, e की पावर वाई और डी वाई इक्वल टू ई एक्स डी एक्स। इसको e की पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, पावर ऊपर जाएगी, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस वाई, ठीक, e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स प्लस में सी, चलने दो। ठीक है, आप क्या उधर ले जाओ, e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट आप यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो, प्लस में रखो नेगेटिव रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट कांस्टेंट ही है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा।